डॉक्टर डी आर राय के पास में जाऊंगी, पूर्व महासचिव आईएमए के। सर, संदीप घोष ने जिस दौरान स्वास्थ्य भवन जा करके अपना इस्तीफा पेश किया, उसके बाद कह रहे हैं कि नए प्रिंसिपल का ऐलान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हटाया नहीं गया था संदीप घोष को। पूजा जी, बड़ा दुख होता है, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं एक डॉक्टर और मेरा पेशा है दुनिया की सेवा करना, और मेरे हर व्यक्ति चाहे मेरे भाई बहन सब लोग इसी में व्यस्त रहते हैं। मैं एक अगर सीक्वेंस और एविडेंस को देखा जाए, जो कुछ हुआ एक हमारी बहन के साथ, 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने जाती है। सुस्ताने के लिए उसके पास कोई एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक सेमिनार रूम के पास जाके वो सो जाती है, और रात के 2-2.5 बजे उसके साथ इतना वैशीपना होता है कि सुबह उसके बाद उसको वहां के प्रिंसिपल जो एमएस है उसको फोन करते हैं, उसके पेरेंट्स को, कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप आ जाइए। उसके बाद वो भागे हुए जाते हैं, उसको फोन करते हैं, वो फोन कोई नहीं उठाता, और जब फोन उठाया जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। थोड़ी देर पहले लड़की की तबीयत खराब थी और लड़की ने सुसाइड कर लिया है। वो लोग वहां पे भाग के पहुंचते हैं अपने रिश्तेदारों के दोस्तों के साथ, तो वहां पर उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया जाता है कि 3 घंटे तक वो बार बार कहते मुझे मेरी बेटी से तो मिलने दो, मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। 3 घंटे के बाद जब उसको उनकी बेटी का दिखाया जाता है तो बिल्कुल नग्न अवस्था के ऊपर पड़ी है, टांगे उसकी फैली हुई है, खून आ रहा है उसके बदन से, आंखों के अंदर से खून आ रहा है। कौन व्यक्ति होगा तो इस प्रकार का सीन देख के उसको दुख नहीं होगा, ग्लानी नहीं होगी, घृणा नहीं होगी। इसके बाद मैं एक बात कहता हूं, प्रिंसिपल हो या मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, उसका एक कार्य है, उसकी एक ड्यूटी बन जाती है, अगर कोई इंसिडेंट होता है उसको इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट FIR दर्ज करनी चाहिए थी। आज तक उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल FIR दर्ज नहीं किया है। उसके बाद उसका इमीडिएटली जब उसकी रिपोर्ट आती है तो बाहर जब खबर निकलती है 3.5 घंटे के बाद तो उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उसका हो हल्ला चालू हो जाता है। उसके बाद जो सीन होता है वो आप जानते हैं, और उसका अगर आपने उसको रिजाइन किया, रिजाइन करने के 4 घंटे के बाद उसको दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपकी बेटी, मेरी बेटी, हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उसकी बेटी के साथ होता तो सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतती। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझिए, जब किसी बहन के साथ इस प्रकार का हो और आप उस वक्त चुपचाप देखते रहेंगे, आपका खून नहीं खुलेगा। डॉक्टर राय, मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, क्या IMA की तरफ से किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं होती हैं कि जो प्रेमिसेस है हॉस्पिटल का, वहां पर सिक्योरिटी, CCTV कैमरास जो है वो प्लेस किए जाएं, या फिर डॉक्टर्स के लिए किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इस तरीके के इंडिकेशंस नहीं होते हैं क्या IMA के? पूजा जी, हमने एक बार नहीं, कितनी बार सरकार को लिख के हमारी डिमांड्स के अंदर दिया गया है कि हॉस्पिटल शुड बी आल्सो मेड ए सेफ प्लेस लाइक एयरपोर्ट एंड अदर गवर्नमेंट प्लेसेस, सेफ होना चाहिए। सेकंड चीज है, ए सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द डॉक्टर सो दैट दे कैन डिलीवर नाइसली। वी हैव गिवन नॉट वंस, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव गिवन, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी उसके गवर्नमेंट के हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। देखिए डॉक्टर राय, ये विषय मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से बुलवाना चाह रही हूँ, किस सरकार को आपने लिखा है सर? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है।